Hi, I'm new here. Hello, I have completed my twelfth recently, and it's the new chapter of my life. Okay, I'm here from last two months, and uh, I have taken test once, but couldn't get my desired score in reading. Okay, believe me, uh, reading is one tough module. Hello, students. Good morning sir i'm new here actually i heard reading stuff module it is actually and how can we get a good score to be very frank you need a lot of shortcuts and tricks and here i will provide you all the tricks okay if you guys follow all these tricks then this is my surety you will get 6 or 6 plus band score easily and what about practice from the very beginning, people, either they are your teachers or your classmates, will say reading is difficult. There are only tricks that you have to use if you want to score well. Let me tell you one thing, guys. Nobody likes to do practice. Although there are few tricks that are very beneficial, but there are few disadvantages of that tricks too. We just need to do three things if we want to improve our reading. The first one is analyzing your mistakes. Recently, one of my students took mock test at. My offline classes, and I asked her what is her reading score. She was like, Sir, I don't know, I haven't seen. You never work on your mistakes. Have you ever tried to know why your list of headings are always wrong? ट्रू फॉल्स ही हमेशा आपके क्यों गलत जाते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही क्यों टफ लगते हैं नो no, हमने ये चीज़ें कभी सोची नहीं है हमको यही होता है आज एक दिन है हमारे पास एक रीडिंग करनी है उसमें ट्वेंटी थ्री स्कोर कम से कम करना है दिस इज द ट्रथ एक्चुअली अच्छा टेल मी वन थिंग यू गाइज डू राइटिंग है ना यू राइट योर टास्क वन एंड टास्क टू एंड गेट दीज मार्क्ड फ्रॉम योर टीचर वट अबाउट रीडिंग What are the extra things that you do to improve your reading? The definition of reading is to improve your reading skills. Four or five years ago I was a kickboxing player and uh, I lost my first fight. And after the fight, I went to my opponent and asked him extra You guys are performing at a national level. ट आर यू डूइंग एक्स्ट्रा चीज क्या कर रहे हो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो दिन बर दिन बेटर होती जाती है, क्या है कि जो तुम करते हो, आपका लेवल इतना बढ़िया है उसने मुझे यही बोला कि यार प्रैक्टिस करो देट सेट प्रैक्टिस में काफी चीजें आती है सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अपनी मिस्टेक्स को देखना सपोज करो आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन गलत है आंसर आना था ट्रू आपने लगाया फॉल्स क्यों सबसे पहली चीज उसका रीजन ढूंढो एंड उस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो सेकंड थिंग दैट वी आर नॉट डूइंग इज प्रैक्टिस ठीक है मिस्टेक की बात अभी हमने करी अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की यू गाइज नीड मटेरियल राइट यू गाइज फाइंड न्यूज़पेपर बोरिंग आपको न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है सो स्टार्ट विद नॉवल्स नॉवल्स तो इंटरेस्टिंग है ना अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई नॉवल्स पढ़ो आप अभी भी बोलोगे कि यार इंटरनेट से ई बुक डाउनलोड कर लेते हैं वो रीड करेंगे नो यू गाइज रिसीव रीडिंग इन हार्ड कॉपी तो भाई ये हार्ड कॉपी क्यों नहीं प्रैक्टिस के टाइम हार्ड कॉपी क्यों नहीं यूज करते ये प्रॉब्लम सिर्फ आप में ही नहीं सभी में है इवन मेरे स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास में है ऑनलाइन ऑफलाइन आज मोटिवेशन मिलगी ना आपको आज और कल आप न्यूज़पेपर करोगे बट ये दो दिन बाद मोटिवेशन तो एकदम से ही गायब हो जाती है आई हैव टोल्ड यू गैज हंड्रेड ऑफ टाइम्स के जो मोटिवेशन बाहर से मिलती है ना उस पर इतना डिपेंड नहीं होना अपने खुद के अंदर मोटिवेशन लेके आओ कि अगर मैं ये चीज़ क्लियर करूंगा तो मेरा क्या फायदा है मैंने अपने इंस्टीट्यूशन में एक कोट लगा के रखी हुई है कि चार ही तरीकों से एक आदमी काम करता अपने सॉन्ग सुना होगा सर ताज का शौक़ से प्यार से लालच से और हथियार से ठीक है चलो प्यार से नहीं लेकिन डर से तो कर सकते हो ना अपना फ्यूचर सेटल करना है कि नहीं करना मुझे पता मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है क्योंकि स्टार्टिंग से टीचर्स ये बोलते हैं कि भाई डिफिकल्ट है आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको बोलते हैं कि भाई डिफिकल्ट है ट्रिक्स पे ही वर्क करो दैट्स एट प्रैक्टिस के ऊपर कोई नहीं फोकस करता सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं ना उनको ही मोस्टली दिक्कत क्यों आती है मुझे पता है कभी कभी सी बी एस ई वालों को भी दिक्कत आती है लेकिन सबसे बड़ा रीजन प्रैक्टिस है आप अगर नॉन मेडिकल मेडिकल कर रहे हो आपकी रीडिंग बढ़िया है अगर आप नहीं कर रहे हो

नो यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स अब तक सपोज़ करो आपने दस रीडिंग्स करी क्या आपने उन दस रीडिंग में से देखा कि कौन सी वोकेबलरी कॉमन है एक बार भी आपने अपनी नोटबुक पे नोट नहीं करी होगी ये चीज मुझे पता है रीडिंग की टेंशन लेनी है फुल लेकिन उस पर मेहनत करनी है जीरो नो दिस इज द रियलिटी ये चीज मुझे पता है मुझे भी इतना टाइम हो गया इस फील्ड में और मैं ये चीजें नोट करता रहता हूँ स्टूडेंट्स में ठीक है भाई चार दिन न्यूज करते फिर छोड़ देते हैं कंसिस्टेंट नहीं है वो यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन थ्री थिंग्स द फर्स्ट वन इज एनालाइज योर मिस्टेक्स सेकेंड इज रीड न्यूज पेपर और नॉवल थर्ड इज Prepare your notes. अपनी वोबलरी है उसके नोटेयर करो क्योंकि ना वही चीजें बार बार रिपीट होंगी आई होप यू गैस मोटिवेशन दिस वॉज जस्ट दस्ट एपिसोड ऑफ रीडिंग किलर जैसे जैसे एपिसोड आएंगे वैसे वैसे आपका जो परस्पेक्टिव है रीडिंग की तरफ वो चेंज होता जाएगा फिलहाल अभी के लिए ये तीन चीजों को आप फॉलो करो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टेट कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग